ओके सो हाय गाइस, वेलकम टू अन एकेडमी नीट। यार अभी अभी कुछ दिन पहले हमने फिजिकल केमिस्ट्री का आपका यूनिट फिनिश किया था, विच इज मोल कॉन्सेप्ट, है ना। और मुझे ऐसा लगता है फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा ऐसा मुश्किल आती है विद द न्यूमेरिकल्स, विद द फॉर्मूलास, जिसका हमने सॉल्यूशन ऐसा आपके लिए किया और हमने यू नो साइड बाय साइड फार्मूला शीट बना लिया। उसके बाद आई एम श्योर आपके लिए ये फार्मूलाज और न्यूमेरिकल सॉल्व करना, उनका अप्रोच, अभी ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी रिलेटिवली विद द हेल्प ऑफ फार्मूला शीट्स, है ना। फिर वहीं हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट यार उसके बाद स्टार्ट किया आपका, विच इज़ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मुश्किल या फिर सबसे ज्यादा क्या लगता है कि एक्सेप्शंस बहुत सारे एक्सेप्शंस है ना, तो देखिए क्यों नहीं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आज आपका जो यूनिट फिनिश हो गया, आई मीन हमने इसके कल क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, एंड इनफैक्ट आज रात हम आपका दूसरा यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर एकदम डिटेल में, रात 8 बजे आपका वो सेशन होगा। तो कैसा रहेगा अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने आपका ये जो एक यूनिट फिनिश किया है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इसके भी सारे एक्सेप्शंस हम एक जगह अगर कवर कर लें, लाइक ऐसा एक 20-25-30 मिनट्स का सेशन हो जिसमें हम सारे के सारे एक्सेप्शंस रिलेटेड टू दिस यूनिट एक शीट ऑफ पेपर में कवर कर लें, तो आपके लिए कितनी आसानी हो जाएगी इस चैप्टर को रिवाइज करने में, है ना। क्योंकि आपने अभी पूरा समझ तो लिया ही है, उसके बाद आपको ज्यादा टाइम कहाँ लगेगा एक्सेप्शंस को ध्यान रखने में कि कहाँ कहाँ एक्सेप्शंस आते हैं ना। तो अगर वो पहले से आपको ऐसा एक शीट ऑफ पेपर में मिल जाएगा, यानी कि जस्ट वन शीट ऑफ पेपर जिसमें सारे के सारे एक्सेप्शंस लिखे होंगे, तो आपके लिए रिवाइज करना कितना आसान हो जाएगा। और आपका वो जो मेंटल प्रेशर होता है कि यार ये कैसे याद होगा या ये तो मैं भूल जाता हूँ, उसमें यू नो थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगा। तो हम वैसा ही करने जा रहे हैं आज के इस सेशन में। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमने जो यूनिट पढ़ा है उसके जितने भी एक्सेप्शंस बनते हैं यार, वो यहाँ पर हम उसका शीट प्रिपेयर कर लेंगे। दैट मींस ये आपका ऐसा इनऑर्गेनिक का एक्सेप्शंस वाला शीट हो जाएगा। सो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। अगर आप चाहते हैं कि मैम यार जितने भी हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट्स है ना, उन सब में ऐसा हो जाए, है ना, मजा आएगा ना। अगर जितने भी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी यूनिट्स देखते हो, जितने भी आपके पास चैप्टर्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि यार सब में ऐसा एक्सेप्शंस वाला शीट बनवा दे मैम, तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। और इसी के साथ हमारा रेगुलर सेशन 8 बजे होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, आज आपकी पहली क्लास हो जाएगी। और आप मुझे नहीं जानते हैं तो आई एम आकांक्षा, है ना। और यार आप जानते हो कि आपका जो ब्रह्मास्त्र बैच है दैट इज ऑल्सो वेटिंग फॉर यू विद दी यू नो बेस्ट सेट ऑफ एडुकेटर्स, और एक सिस्टमैटिक तरीके से क्लियर रोड मैप के साथ आपकी तैयारी हो पाती है। आपको लगता है कि यार ऐसा अच्छे एडुकेटर्स के साथ पढ़ाई हो पाए, पूरा जर्नी के थ्रू आउट मेरे को सही गाइडेंस मिल पाए, तो आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक, आपके पास ऐसा दो ऑप्शंस आएंगे तो आप जरूर आइकॉनिक के साथ जाइएगा इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, क्योंकि वहां पर आपको पर्सनल मेंटोर मिलते हैं, पर्सनल गाइड मिलते हैं, एक्सपर्ट्स का गाइडेंस आपको मिल पाता है, यानी कि आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग आपका वो क्या परफेक्ट स्ट्रेटजी होना चाहिए वो आप वहां पर समझ पाते हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी स्टडी मटेरियल आपके घर तक चलकर आ जाता है, यानी कि हार्ड कॉपी फॉर्म में, जो डेफिनेटली जिससे आपकी काफी मदद हो पाएगी। उसके बाद जब भी आप अपना सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं, मेक श्योर यू आर यूजिंग द कोड AKA लाइव, क्योंकि जब आप कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी यार आपके पास इतना अच्छा मौका है, देखिए 26 से लेकर 30th तक, है ना, सेप्टेम्बर 26 से लेकर 30th तक आप लोगों के पास अभी ये ऑफर ऑनगोइंग है, जहां 20% ऑफ तक ग्रैब कर सकते हैं, मतलब कि मजा आ जाएगा आपको। और मैं यही चाहती हूं कि जितने लर्नर्स, जितने स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हैं यार, उनका मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो देखिए नॉर्मली अनअकैडमी पर जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% ऑफ मिलता है जब आप कोड यूज करते हो, पर अभी अगर आप 26 से लेकर 30th के बीच में, तो यार आज 27 तो हो ही गया है ना, उसके बीच में अगर आप अपना सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं तो आपको ऐसा 20% ऑफ मिल जाएगा। और विद द हेल्प ऑफ दिस कोड आप अनअकैडमी में जितने टीचर्स पढ़ाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी का सारा कंटेंट अनलॉक कर पाते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आप देखिए अभी आपके पास ऐसा कॉम्बो ऑफर भी बहुत अच्छा ऑनगोइंग है विद द, एंड मेक श्योर यू ऑल हैव एनरोल्ड फॉर अनसैट। यार अनसैट तो अब काफी करीब आ गया है ना, 8th of October आपका एग्जाम होने जा रहा है, तो मतलब अब तो अगर आपने एनरोल नहीं कराया तो आज के आज सबने एनरोल करा देना चाहिए। 8th October 15th October आपका टेस्ट है, जैसे भी आप देना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन एज यू विश, जैसे भी आपके लिए कन्वीनियंट है। और देखिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास, इतने सारे लर्नर्स के साथ आप कंपीट करेंगे, आपको समझ आएगा कि आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। फिर
फिर ये एक बहुत अच्छा मौका है 100% स्कॉलरशिप तक ग्रैब करने का. यूरोस्पेस सेंटर भी आपका एक ट्रिप बन सकता है अगर आप वो टॉप परफॉर्मर्स में रहते हैं, और साथ ही साथ स्पेशल रैंकर्स ग्रुप भी आपको अलॉट कर दिया जाता है, यानी कि आपको उसका एक्सक्लूसिव एक्सेस मिल जाएगा, जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है वो बढ़िया सा AIR सिक्योर करने की. विद सम जोश हियर इन द चैट सेक्शन, और सभी की शीट्स ऐसा बाहर होनी चाहिए, और एकदम फटाफट हम लोग आपकी ये शीट प्रिपेयर करने वाले है ना. तो यार देखो ऐसे थोड़ा गड़बड़ हो गया. आई हैव अ प्लस क्लास नाउ एट 4 PM एंड सम हाउ ये क्लास हमारा थोड़ा सा डिले हो गया. तो मेरे को आप फटाफट इसको आपकी शीट को एकदम ऐसा कंप्लीट कराना है. तो शुरू करते हैं. देखो यार अगर हम बात करते एक्सेप्शंस की, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपका जो यूनिट है वहां एक्सेप्शन की शुरुआत होती है प्रॉपर्टीज से, है ना, जिसमें कि सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है एटॉमिक रेडियाई. करेक्ट है, एटॉमिक रेडियाई आपकी पहली प्रॉपर्टी है जहां पर आपको एक्सेप्शन देखने के लिए मिलेगा. एक्सेप्शन से पहले ना हम जरूर एक काम करेंगे कि हम अपनी ये जो एक्सेप्शंस वाली शीट ऐसा प्रिपेयर कर रहे हैं, इसमें हम लोग पहले जनरल ट्रेंड लिखेंगे कि यार इस प्रॉपर्टी का जनरल ट्रेंड क्या होता है. तो देखिए अगर आप एटॉमिक रेडियाई की बात करते हो, तो यहां पर आपका जो जनरल ट्रेंड है वो कैसा रहता है कि भाई अगर हम लोग ऐसा जाएंगे किधर से किधर, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, है ना, अगर हम लोग ऐसा लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा बताइए. एज यू मूव लेफ्ट टू राइट तो क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है. क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि मैम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से हमारा जो साइज है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है. वहीं अगर आप लोग जाते हैं ऐसा टॉप टू बॉटम, है ना, ऐसा डाउन द ग्रुप जाओगे या टॉप टू बॉटम जाओगे, फिर आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि एज यू मूव टॉप टू बॉटम, जब आप ग्रुप में ऐसा डाउन द ग्रुप जाते हो, तो आपका जो साइज है ना वो क्या होता है, इंक्रीज होता है. और साइज इंक्रीज होने के पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि हर बार एक नया शेल ऐड हो रहा है, शेल नंबर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपका साइज बढ़ जाता है. आई होप इतना आप लिख चुके हैं. लेकिन फिर उसके बाद अगर आप सेकंड पीरियड की बात करते हो, है ना, आप सेकंड पीरियड में आ जाते हैं. सेकंड पीरियड में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं मेरे को बताओ. ये तो सबको पता है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियॉन. तो यहां पर जब आप अपने सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स की बात करते हो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आखिर में नियॉन, तो देखिए यहां तक तो बिल्कुल जनरल ट्रेंड हमारा फॉलो हो रहा होता है, यानी कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं अपना साइज जो है डिक्रीज होता रहता है. पर फिर यहां पर कहानी में ट्विस्ट कौन लेकर आता है, नोबल गैस. नोबल गैस की जब आप बात करते हो यार, तो यहां पर अचानक से आपको देखने के लिए मिलता है कि नियॉन का साइज बहुत बड़ा हो जाता है. नियॉन सेकेंड पीरियड का क्या है, नोबल गैस है. तो जैसे हम लोग यहां तक पहुंचते हैं, अचानक से आपका नोबल गैस का साइज बहुत बड़ा हो जाता है. उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इसका फुल्ली फिल्ड कॉन्फिगरेशन है, इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है. तो इलेक्ट्रॉन्स क्या एग्जर्ट करते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यहां पर बहुत ज्यादा लगने लगते हैं. एंड हम जानते ही हैं कि जब जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होंगे, तब तक आपका साइज एक्सपैंड हो जाएगा. ठीक है, तो यहां पर क्या होते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होते हैं, बिकॉज ऑफ विच द साइज विल एक्सपैंड. तो ये आपको पहला एक्सेप्शन, हमारा जो पहला पीरियड है, हालांकि सेकंड पीरियड है, ठीक है, लेकिन उसमें हमें पहला एक्सेप्शन देखने के लिए मिलता है, जो काफी आसान है और शायद सभी लोग जानते भी है ना. फिर उसके बाद यार दूसरा हमें देखने के लिए मिलता है ग्रुप 13 में. ग्रुप 13 की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर ये बेहद इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये एग्जाम में पूछा गया, मेक श्योर आप सबको ये आता ही आता है, ठीक है. एंड यू नेवर नो कि इस बार भी यही आ जाए, क्योंकि बहुत बारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये पार्ट रह चुका है. तो देखिए आपके पास यहाँ कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और फिर थैलियम. यहां पर क्या होता है कि बोरॉन से तो एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होता है, पर एल्यूमिनियम गैलियम में हमें एक एक्सेप्शनल बिहेवियर देखने के लिए मिलता है, और एल्यूमिनियम का साइज एक्चुअली ज्यादा हो जाता है. और यहां पर इंडियम थैलियम में थैलियम का बड़ा तो होता है, पर जो डिफरेंस है वो बहुत मिनिमल होता है. आप देखिए इंडियम का साइज होता है 167 पिकोमीटर, आई मीन एटॉमिक रेडियस, और थैलियम का होता है 170 पिकोमीटर. तो आप देखो डिफरेंस कितना, इतना जरा सा है ना. तो यहां पर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आपको एक ऐसा ट्रेंड ऑब्जर्व होता है जहां पर एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ गैलियम. करेक्ट. अच्छा यहां पर रीजन क्या आता है, फटाफट बता दो मेरे को. यहां पर इसका रीजन हम लोग क्या देते हैं कि यार देखो एल्यूमिनियम से गैलियम के बीच 10d इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. तो अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जानते हैं, तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कुछ ऐसा होता है कि यार नियॉन और उसके बाद 3s2 3p1, है ना.
और गैलियम का कैसा होता है आर्गन, आर्गन के बाद क्या आता है आपके पास, यहाँ पर आएगा 3d10, 4s2 एंड 4p1। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो 10d इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, इन्होंने किया है ये कुछ कुछ, है ना। तो देखो यार, ये जो आपके 10d इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी वजह से क्या लगेगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट लगेगा। और जब भी शील्डिंग पुअर हो रही है, यानी कि भाई अच्छे से अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स अब शील्ड नहीं कर पा रहे हैं न्यूक्लियस को, तो फिर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका डोमिनेट करने लगता है। और जब जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है, एटॉमिक रेडियस हमेशा डिक्रीज होता है, बिकॉज दे शेयर इनवर्स रिलेशन विद ईच अदर। तो मेरे ख्याल से दूसरा एक्सेप्शन वापस आपको ध्यान आ गया। फिर वही इंडियम और थैलियम के बीच, भले आपका साइज बड़ा है थैलियम का, एटॉमिक रेडियस बड़ा है यहाँ पर थैलियम के केस में, बट देन उतना सिग्निफिकेंट इंक्रीज या उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं है जितना एक्सपेक्टेड है। मतलब आप इंडियम से थैलियम जा रहे हो यार, एक पूरा नया शेल ऐड हो रहा है, और साइज में देखो, रेडियस में देखो, कितना कम का डिफरेंस है। तो डिफरेंस तो अच्छा खासा होना चाहिए था कि नहीं। तो यहां पर आपके पास रीजन क्या आता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे यहां पर 10d इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम गैलियम के बीच आए, यहां पर 14f इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं बिटवीन इंडियम एंड थैलियम, एंड दिस इज द रीजन। यहां पर क्या लगता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हालांकि यहां पर स्टिल आपका शेल वाला पार्ट ही डोमिनेट करता है, तो साइज आपका थैलियम का ही बड़ा है, पर उतना बड़ा नहीं है जितना हो जाना चाहिए था। उसके पीछे आपके 14f इलेक्ट्रॉन का पुअर शील्डिंग इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 14f इलेक्ट्रॉन्स। आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको ट्रेंड क्या देखने के लिए मिलता है, बोलो यार। फिर इसके बाद हमारे पास आती है 3D सीरीज, है ना। 3D सीरीज में आपको थोड़ा सा ऐसा एक्सेप्शनल सा अलग अलग सा देखने के लिए मिलता है ट्रेंड। अगर हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की, तो वहां आपको ध्यान होगा कि हमारे पास 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, है ना। तो देखिए मैंगनीज यहाँ पर बीच वाला है। ऐसा बीच वाला क्यों बोल रहे हो उसको, क्योंकि उसका 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है ना। मैंगनीज की अगर आप बात करते हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 3d5 4s2। ठीक है यार, 3d5 4s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो ये हाफ फिल्ड है, आधा ऑक्यूपाइड है इसका डी ऑर्बिटल, करेक्ट है। तो यहाँ पर पता है क्या देखने के लिए मिलेगा, स्कैंडियम की बात करते हैं 3d1, टाइटेनियम क्या हो गया 3d2, वेनेडियम हुआ 3d3, क्रोमियम हुआ 3d4, नहीं हुआ 3d5, फिर उसके बाद और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होते जाएंगे 3d6, 3d7, 3d8, देन 3d9, एक्चुअली 3d10 ही होता है ये भी, और ये भी आपका क्या हो जाता है 3d10, दिस इज 4s1 एंड दिस इज 4s2। यहां तक सबको क्लियर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अभी देखो यार, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम आप कैसे चल रहे हैं मेरे को बताओ एक बारी, कैसे चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं यार, है ना। तो यहां तक हम लोग कैसे जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। जब भी आप एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो क्या होता है, साइज आपका डिक्रीज होता है। तो आइडियली साइज शुड डिक्रीज, और ऐसा ही होता भी है, यानी कि स्कैंडियम टू क्रोमियम आपका जो साइज है वो डिक्रीज होता है। तो यहां पर एकदम नॉर्मल ट्रेंड आप ऑब्जर्व करोगे। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, मैंगनीज से जब आप आयरन, कोबाल्ट, निकल की ओर बढ़ते हैं, तो यहां पर क्योंकि यार देखो अब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा आते जा रहे हैं, पहले 3d5 हुआ, फिर एक और इलेक्ट्रॉन, फिर एक और, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। अब सिंस इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा हो गए हैं, तो रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर रिपल्शन भी काफी लगने लगेंगे। अब देखो लेफ्ट टू राइट आप चल रहे हो, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना चाहता है, राइट, लेकिन साथ ही साथ रिपल्शंस भी बढ़ रहे हैं। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो साइज को डिक्रीज होना चाहिए, और रिपल्शन बढ़ रहा है, तो साइज को इंक्रीज होना चाहिए। तो दोनों एकदम यू नो ऑपोजिट इफेक्ट्स हैं, एक साइज को बढ़ा रहा है, एक साइज को कम कर रहा है। तो ऑल इन ऑल आपको यहां पर क्या देखने के लिए मिलेगा कि यार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और जो आपके रिपल्शन है वो एक दूसरे को आपस में बैलेंस कर लेंगे, बिकॉज ऑफ विच आयरन, कोबाल्ट, निकल का जो आपका साइज है वो सेम टू सेम हो जाता है। ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये इनफैक्ट ऑल्सो कॉपर, इन चारों का साइज सेम हो जाता है। और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कल के क्लास में भी मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि यार कौन से वो पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैं, है ना, जिनका साइज इक्वल होता है, पेयर नहीं इनफैक्ट सेट ऑफ एलिमेंट्स आप कहेंगे। तो यहाँ पर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, इन सबका साइज सेम होता है। और फिर अगर आप कॉपर और
जिंक में कंपेयर करते हो तो भाई जिंक का काफी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका वापस से कैसा है, फुल्ली फिल्ड कॉन्फिगरेशन है, यानी कि फिर यहां पर कौन आपका डोमिनेट करने लगेगा, रिपल्शन विल डोमिनेट ओवर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और जब जब रिपल्शन डोमिनेट करते हैं साइज बढ़ जाता है, आहा, है ना। आगे बढ़े तो देखिए, मैं आपके साथ टेलीग्राम पर मुझे ढूंढिएगा, आई एम आकांक्षा कर्णवाल, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे नेम का पूरा स्पेलिंग मिलेगा, वही सेम कॉपी पेस्ट करना टेलीग्राम पर यार, है ना। और मैं आपको मिलूंगी, पब्लिक ग्रुप है, चैनल है, वहां पर आप जुड़ सकते हैं। तो क्या होगा कि जितना भी मैं पीडीएफ जितना आपको यहाँ पर पढ़ाती हूँ यूट्यूब पर, उसका पीडीएफ वहां शेयर कर देती हूँ, अलग से आपको क्वेश्चंस भी देती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, जिनका डिस्कशन हम स्पेशल क्लास में करते हैं जो अनअकैडमी की फ्री क्लास होती है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे लिंक, बहुत सारी पीडीएफ्स आपके साथ में वहां पर शेयर करती हूँ। तो मेक श्योर, ऐसा अच्छे अच्छे काम में कभी देरी नहीं करना चाहिए, तो मेक श्योर यू हैव जॉइन मी देयर, है ना। चलिए आगे बात करते हैं फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी की, यानी कि आपका जो पहला प्रॉपर्टी है विच इज अटोमिक रेडियस, उससे रिलेटेड जितने भी यार आपके एक्सेप्शंस हैं वो सब हमने यहाँ पर कवर किए। फिर इसके बाद अब आपका न्यू प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाता है विच इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी में हमने पढ़ा था ना कि बहुत सारे फैक्टर्स आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं, है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और ऑल इन ऑल आपको ध्यान होगा कि बेरिलियम और बोरॉन के बीच अगर हम कंपेयर करते हैं तो किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है, जल्दी से बताओ, बेरिलियम का। हालांकि बेरिलियम टू बोरॉन आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बोरॉन का आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड हैव बीन ज्यादा, बट देन इन दिस केस वी ऑल नो व्हाट विल डोमिनेट हियर, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट यहां पर डोमिनेट कर जाता है। ऐसा क्यों मैम? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर एन वैल्यू अगर आप देखेंगे, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, तो बेरिलियम का कितना आएगा 1s2 2s2, और बोरॉन का कितना आएगा 2p1। तो यहां पर देखिए क्या होगा, ओए होए एक मिनट रुको प्लीज, बेरिलियम में आप मुझे बताइए एन वैल्यू कितना है और बोरॉन में कितना है। मेरे ख्याल से दोनों ही केसेस में यहां पर एन वैल्यू तो यार आपका 2 ही दिख रहा है, मेरे को सेकेंडरी शेल दिख रहा है दोनों में, लेकिन एल वैल्यू यहां पर 0 हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और यहां एल वैल्यू आपका 1 हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। आप जानते हैं कि एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल पाना रिलेटिवली मुश्किल होगा, ज्यादा एनर्जी लगेगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल्स का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होता है, वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होते हैं, अंदर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं, बिकॉज ऑफ विच वो बेटर शील्डिंग कर पाएंगे और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल होगा, है ना। आगे बढ़े, फिर इसके बाद दूसरा एक्सेप्शन आपको देखने के लिए मिलता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच। भाई ऑक्सीजन नाइट्रोजन, है ना, पहले कौन आता है मेरे को बताओ, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन, हाँ कार्बन नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन, तो होना तो चाहिए था ऑक्सीजन का आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, पर यहाँ क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो ये 2p4 और ये 2p3 होता है। तो नाइट्रोजन का क्योंकि यहाँ पर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, है ना, नाइट्रोजन का यहाँ पर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया। अब भाई हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है, बिकॉज ऑफ दिस नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। तो ऑल इन ऑल जब आप ऐसा सेकेंड पीरियड में बात करते हो तो हमारे पास जो ट्रेंड ऑब्जर्व होता है वो क्या, लिथियम फॉलोड बाय बोरॉन, देन यू हैव बेरिलियम, फिर आपके पास कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन और आखिर में नियॉन। तो ये आपका ट्रेंड फॉलो होता है किसके केस में, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड, हाँ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए अगर हम यहां पर बात करते हैं कि यार एक पर्टिकुलर पीरियड में, है ना, मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका है, आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है, किसमें, एक पीरियड में यार, तो किसकी होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा एक पीरियड में, हमेशा ध्यान रखेंगे किसकी, इनर्ट गैस की यानी कि नोबल गैस की। हर एक पीरियड का रिस्पेक्टिव नोबल गैस का सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है। फिर उसके बाद सबसे कम किसकी होती है, मिनिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता है पर्टिकुलर पीरियड में, याद करिए अल्कली मेटल का, है ना, अल्कली मेटल एक्सट्रीम लेफ्ट में है और लेफ्ट राइट जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है, तो क्योंकि वो लेफ्ट का पहला एलिमेंट होता है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम, साइज भी बड़ा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। फिर अगर आप पूरे पीरियोडिक टेबल में बात करो यार, बताओ मेरे को, अभी तो हमने पढ़ा है पूरे पीरियोडिक टेबल में, मैम जल्दी से बता दो,
किसका होता है सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल और सबसे कम किसका होता है, ये दोनों ही बात आपने मेरे को बतानी है। देखिए मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल और मिनिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल, मैक्सिमम की आप बात करते हो तो हीलियम का होता है और यहां पर ये आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है सीजियम का होता है मिनिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। सीजियम थोड़ा खूबसूरत ज्यादा बना दिया मैंने, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, CESIUM, ठीक है, सीजियम हो गया। खुशबू आप थोड़ा सा कम लगवाइए, है ना, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, मेरे को तो वैसा लग रहा है, लगने लगने में नीट का पेपर निकल जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे बोल रही है मैम मेरे को तो ऐसा लग रहा है, मैम मेरे को तो वैसा लग रहा है, लग रहा है लग रहा है लग रहा है और लग रहा लग रहे के चक्कर में आपका पेपर ही चला जाएगा, है ना। तो यहां ध्यान दीजिए, और ये जो आपको कराया जा रहा है ऐसा नहीं है कि मैं आपको समझा रही हूँ या पढ़ा रही हूँ, यहाँ हम एक्सेप्शंस का एक अलग से शीट बना रहे हैं, यह आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, समझा दिया गया है, ठीक है। डिटेल में, बहुत डिटेल में लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, उसको रेफर कीजिएगा। यूट्यूब पर मैं चाहती हूँ एकदम प्रिसाइज सेशन हमारा, एंड देन आई ऑल्सो हैव अ क्लास जस्ट आफ्टर दिस सेशन, मेरा क्लास भी है, ठीक है, जिसमें मैं लेट नहीं जा सकती हूँ, तो समझिए, है ना। और क्या क्या क्या, हाँ बना लो यार, और बाकी कुछ रह जाए, क्योंकि जल्दी जल्दी हो रहा है तो YouTube से तो कहीं नहीं जाएगा, प्लस मैं भी अपना ये शीट आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर, ठीक है। मैम मेरे को तो ऐसा लग रहा है, मैम मेरे को तो वैसा लग रहा है ना, ये करते रहना, चलो थ्री सीरीज के एलिमेंट्स लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, है ना। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी का अब हम लोग यहाँ पर ट्रेंड देखने जा रहे हैं 3D सीरीज में, फॉलोड बाय 4D सीरीज, एंड देन वी हैव 5D सीरीज। देखिए जब आप 3D सीरीज की बात करते हो तो 3D सीरीज के केस में क्या होता, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपके पास आएगा ईटर्बियम, जिरकोनियम, नियोबियम, देन यू हैव मॉलिब्डेनम, फिर यहां पर आपके पास होता है टेक्नीशियम, देन यू हैव रूथेनियम, इरिडियम, नहीं नहीं कोबाल्ट के बाद कौन आएगा, यू विल हैव पलाडियम, रोडियम, निकल के बाद आएगा पलाडियम, सिल्वर, और यहां पर आएगा कैडमियम, इधर ये वाले सीरीज में मर्करी। यार मैं ना नेक्स्ट स्लाइड में लिख रही हूँ, ऐसे बहुत हॉचपॉच लग रहा है मेरे को, तो मजा नहीं आ रहा है ना, यहाँ लिखते हैं एक एक कर, स्कैंडियम, लैंथनम तुम भी लिखो, टाइटेनियम, यहाँ पर कौन आएगा, जिरकोनियम एंड ऑब्वियसली हाफनियम, फिर वेनाडियम, नियोबियम, टेंटलम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, फिर यहाँ आपके पास आएगा मैंगनीज, टेक्नीशियम, रीनियम, इतना ही लिखते हैं पहले, ठीक। तो देखिए अगर आप ये वाले सभी एलिमेंट्स की बात कर रहे हो, चलो पूरा ही बना लेते हैं, मैंगनीज, आयरन के बाद कौन आएगा, रूथेनियम, फिर ऑस्मियम, फिर यहाँ आएगा आपके पास कोबाल्ट, देन यू हैव रोडियम, इरिडियम, फिर ये आता है निकल, निकल के साथ आएगा पलाडियम और प्लैटिनम, फिर आपके पास आता है निकल के बाद कॉपर, यहाँ आएगा आपके पास सिल्वर, देन यू हैव गोल्ड, और आखिर में जिंक, जिंक के बाद कैडमियम, कैडमियम के बाद मर्क्यूरी। आहा, चलिए अभी इसमें क्या होता है, स्कैंडियम, ईटर्बियम, लैंथेनम, इनकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नॉर्मल ट्रेंड आपका फॉलो होता है। नॉर्मल क्या होता है भाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, साइज बढ़ रहा होगा, तो यहाँ पर ऐसा ही होता है, आपकी एनर्जी कम ही होती है। फिर आपको मैंने एक ट्रिक बताया था, और वो क्या था ट्रिक, तिव करनी। देखो मेरी हिंदी की राइटिंग, अब सोचो मेरी इंग्लिश की राइटिंग इतनी खूबसूरत है, हिंदी की तो और भी प्यारी होगी, है ना, पर आप ऐसा काफ़ी अंडरस्टैंडिंग टाइप के बच्चे हैं तो आई एम श्योर समझ ही जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास निमोनिक क्या बनता है, टिव करनी, विच इज टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, निकल। तो टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, निकल वाले जो ग्रुप हैं वहां पर एग्जैक्ट ओपोजिट ट्रेंड आपका फॉलो हो रहा होता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डाउन द ग्रुप एक्चुअली आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। तो देखो बिल्कुल ओपोजिट ट्रेंड फॉलो होगा, और फिर निकल वाले ग्रुप में भी ओपोजिट लगा देना। बाकी जितने आपके पास यहाँ पर अभी रिमेनिंग ग्रुप्स हैं, चाहे मैंगनीज वाला हो, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक वाला, उसमें हमें क्या ध्यान रखना है, उसमें हमें ऐसा एक राइट होता है ना टिक मार्क का साइन बनाना है,
सुंदर सा बना देते हैं, देखो ऐसा टिक मार्क का साइन बनाना है भाई। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी है और यहाँ पर आपके एलिमेंट्स को लिखा जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल लाइन से ऐसा सीक्वेंस में अपने एलिमेंट्स लिखिए, मैंगनीज, टेक्नीशियम और फिर रीनियम। तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि रीनियम जो है उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय मैंगनीज, फॉलोड बाय टेक्नीशियम। तो यहाँ पर बाकी भी जितने ग्रुप है वहां सब में यही फॉलो हो रहा होगा कि सबसे ज्यादा 5D वाले का होगा, फॉलोड बाय 3D एंड देन आपका कौन आ जाता है, 4D वाला। तो सबसे पहले रीनियम, मैंगनीज एंड देन यू हैव टेक्नीशियम। इतना हो गया मेरे ख्याल से क्लियर सब लोगों को, ठीक है। फिर इसके बाद वैसे आपको ये ऑब्वियसली मिल जाएगा, जितना भी हम यहाँ पर ट्रेंड्स डिस्कस कर रहे हैं ये सब आपको मिलेगा कहाँ पर, टेलीग्राम पर लिखा हुआ सब कुछ। ग्रुप 13 की बात करते हैं, ग्रुप 13 बोले तो मैम बोरॉन फैमिली। ग्रुप 13 के लिए मैंने आपको कहा था W बना लेना, डबल वे W, ऐसा ऐसा टाइप का W बनाना है, ठीक है। और बिल्कुल सीक्वेंस में ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को लगाते जाना है, कैसे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो यहां से अगर आप लोग एक्सट्रापोलेशन करते हो, इतना तो किया है ना मैथ में, ऐसा एक्सट्रापोलेट कर देते हैं, देखो ग्राफ को यहां पर, मतलब इफ यू कट अपना वाई एक्सिस, इससे ऐसा वाई एक्सिस को कट करते हो यहां से, तो थैलियम का सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर बोरॉन, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम और सबसे आखिर में हमारे पास कौन आ रहा है, इंडियम। तो सबसे ऊपर कौन आएगा बताओ, थैलियम, फिर बोरॉन, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम और आखिर में आपके पास आता है इंडियम। बोलो इतनी बात सबको क्लियर हो रही है भाई। यहां पर आपका ये जो वाई एक्सिस है, यहां हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी को लिया है और यहां हमने आपके सारे एलिमेंट्स को लिखा है। तो यहां जब आप लोग देखेंगे तो आपके पास ट्रेंड क्या आता है, सबसे ज्यादा थैलियम का, फॉलोड बाय बोरॉन, देन यू हैव गैलियम एंड देन आखिर में हमारे पास आता है एल्यूमिनियम एंड लास्टली वी हैव इंडियम। सो दिस इज द ट्रेंड फॉर ग्रुप 13 एलिमेंट्स। फिर इसके बाद आहा जल्दी जल्दी करते हैं, बस हो ही गया 3D सीरीज। आपकी जो 3D सीरीज होती है, अभी तो आपने यार 3D, 4D और 5D सीरीज में कंपैरिजन किया, बट व्हाट अबाउट ये जो हमारी 3D सीरीज है, यानी कि आपके पास ये आते हैं ना स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, वहां के लिए मैंने आपको एक निमोनिक बताया था कि यार निमोनिक क्या होता है, जाने फिर लिख लो इसको, कोमल क्यों नहीं मानती, है ना, क्यों नहीं मानती, वो भी कर सकती है, वो भी कर सकती है, ओके जी, ये आपका निमोनिक था, ठीक है। अब यहां जाने से कौन याद आ रहे हैं आपको, जिंक, फिर मतलब Fe विच इज आयरन, कोमल में क्या छिपा है, कोबाल्ट, CO, फिर क्यों से कॉपर, मतलब CU, निकल से नहीं से Ni, निकल, मानती में मैंगनीज भी आ गया और टाइटेनियम भी आ गया, यहां से वेनेडियम, यहां से क्रोमियम, यहां से स्कैंडियम एंड दैट्स इट। तो यहां पर आपको जो ट्रेंड देखने के लिए मिलता है, बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग आप अपने इनको अरेंज कर देंगे, सबसे ज्यादा जिंक की, फॉलोड बाय आयरन, फॉलोड बाय कॉपर, देन यू सॉरी कोबाल्ट, कॉपर, फिर उसके बाद निकल, फिर मैंगनीज, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम और सबसे आखिर में कौन आता है, स्कैंडियम। ये एक बार यार कंप्लीट कर लेना सब लोग, टेली कर लेना इधर से और मेक श्योर यू कंप्लीट दिस शीट, है ना, मैं टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कर दूंगी, यूट्यूब पर भी आप ऐसा पॉज कर बीच में देख सकते हो, राइट। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एंड एक्चुअली द लास्ट वन विद एक्सेप्शंस, है ना, लास्ट वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, तो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आज जैसे नाइट्रोजन हुआ, जितनी भी हमारी नोबल गैसेज होती हैं और आपके कौन से एलिमेंट्स होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि यहाँ पर फुल्ली फिल्ड या फिर हाफ फिल्ड कॉन्फिग्रेशन रहता है, ये तीनों ही केसेस में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो आता है। फॉर ऑल दीज थ्री केसेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, जीरो। अब यहां पर नाइट्रोजन का क्या सीन है, 1s2 2s2 2p3, मतलब कि मैम हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन कैसा है, हाफ फिल्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा। नोबल गैस में वैसे भी आपका NS2 NP6 टाइप का कॉन्फिगरेशन होता है, फुल्ली फिल्ड। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में NS2 होता है, कौन कौन होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉनशियम, बेरियम, ये सबके केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो आता है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हेलोजन्स फैमिली में, हेलोजन्स फैमिली में आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ट्रेंड देखने के लिए मिलता है, फटाक से बता दो। यहां पर क्या होता है,
क्लोरीन के सबसे ज्यादा हो जाती है, फॉलोड बाय फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। हाउएवर फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए था, पर इधर क्लोरीन की ज्यादा क्यों होती है? स्मॉल साइज ऑफ जो आपका है फ्लोरीन का, उसकी वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होते हैं। सो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज एक्चुअली द रीजन दैट दिस सॉर्ट ऑफ अ ट्रेंड इज ऑब्जर्व, कि आपका 3D पीरियड के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू सेकेंड पीरियड का एलिमेंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है ऑक्सीजन फैमिली, है ना? और यहां पर तो कहानी में काफी ट्विस्ट आ जाता है, कैसे बताओ मेरे को, क्योंकि यार यहां पर सल्फर की सबसे ज्यादा, सेलेनियम, देन टेल्यूरियम, और फिर आखिर में आपका ऑक्सीजन पहुंच जाता है। रीजन तो वही है कि ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है, बिकॉज ऑफ विच इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएंगे। पर यहां तो यार इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतने ज्यादा हो जाते हैं और इतना ज्यादा डोमिनेट कर जाते हैं कि वो आपका जो ऑक्सीजन है वो बेचारा सबसे आखिर में चला जाता है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम हो जाती है। विद दिस वी आर डन विद ऑल द एक्सेप्शंस दैट वी हैव कवर्ड फॉर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। आई होप दिस हेल्प्स, है ना? अब मैंने एकदम जल्दी जल्दी फिनिश करा दिया, थोड़ा सा कम टाइम था हमारे पास क्योंकि अभी मेरी क्लास भी है। एक्चुअली जो मेरी दूसरी क्लास है उसको 4 बजे शुरू होना है। आप देखिए ऑलरेडी 4:05 हो चुके हैं, है ना? तो अभी आई हैव टू स्टार्ट वो वाला क्लास। सो थैंक यू वेरी मच। टेलीग्राम से टेली कर लेना यार, थोड़ा जल्दी जल्दी करा दिया मैंने आप लोग को, है ना? शीट मैं वहाँ पर फॉरवर्ड कर दूंगी, यूट्यूब पर भी ऐसा पॉज कर देख सकते हो। चाहते हो कि हर एक इनऑर्गेनिक के चैप्टर के साथ ऐसे ही जैसे वो चैप्टर फिनिश हो साथ साथ उसका शीट बन जाए एक्सेप्शंस का, तो ज़रूर बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में, और सेशन को भी पूरा ही प्यार दीजिएगा तो मुझे पता चलेगा। हाँ ऐसे ही चाहते हो तुम लोग कि हर यू नो हर 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 इनऑर्गेनिक के चैप्टर का ऐसे ही एकदम मजेदार तरीके से हम लोग फिनिश कर लें, ठीक है? चलिए, दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू विद द न्यू यूनिट इवनिंग में रात 8 बजे आपका, विच इज एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मेक श्योर यू ऑल पार्टिसिपेट लाइव देयर। थैंक यू वेरी मच, गुड लक एंड टेक केयर। अरे ये क्या हो गया?